दो कविताओं का पाठ करूंगा। पहली कविता है और दूसरी गजल है। पहली कविता राम हरि सिंह दिनकर की है, दूसरी इमरान की एक गजल है। महाभारत की लड़ाई के दौरान हम सब जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन की पुरानी प्रतिद्वंद्वता थी, एक दोनों का एक दूसरे को ख्वाब था परास्त करना। महाभारत की लड़ाई में एक पल ऐसा आता है जब कर्ण विजेता बन सकता था, जब लक्षागिरी से माता कुंती को बाहर निकालते समय अर्जुन बाहर निकलते हैं तो दरवाजे के बाहर एक सर्पणी आ जाती है, वो गर्भवती सर्पणी रहती है, तो जब उसको निकाल के बाहर फेंकते हैं तो वो सर्पणी आग में चली जाती है और उसका सफोला बच्चा वहीं नीचे गिर जाता है। उस बच्चे ने अर्जुन को अपनी माँ को मारते हुए देखा था, उसकी आंखों में ये सपना देखा था कि एक दिन मैं अर्जुन को मारूंगा। तो महाकवि दिनकर लिखते हैं कि चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, पट कुरुक्षेत्र में खेल रही नरके भीतर की कुटिल आग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुष्य के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और तिपद का रुद्र मिश्र हो एक संग, गद्दर गिर सुधर बुधर से लिए रक्तरंज शरीर थे, जूझ रहे कौंते कर छिड़छिड़ करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ विषय वृष्टि हो रही गर्व, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग, कहता कि रस्वसेन मैं विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पाप का शत्रु मगर तेरा बहुविध कामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष पे चढ़ मुझे उस श्रव्य तक जाने दे, उस महाशत्रु को अभी से संदन में मुझे सुलाने दे, कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तुम मुझे सहारा दे मैं बढ़कर अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, राधे जरा हंसकर बोला रे कुटिल बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज मनुज से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुख दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सत्सुकृत कर्ण ने छाड़ किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया, रस्वसेन तेरे अनेक वंश छुपे हैं नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी, ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। दूसरी एक गजल है इमरान की। कोरोना के दौरान जब बहुत सारी उदासियां थी, खामोशियां थी, सन्नाटे थे, मगर एक उम्मीद थी कि एक बार फिर से हम सब मिलेंगे। मैं पढ़ता हूँ कि भले ही प्यार का मौसम नहीं है, भले ही प्यार का मौसम नहीं है, भले ही प्यार का मौसम नहीं है, मगर इस दिल की लौ मधम नहीं है, मगर इस दिल की लौ मधम नहीं है, हम आए हैं तुम्हारे साथ रोने, हम आए हैं तुम्हारे साथ रोने, हमारे पास भी मरहम नहीं है, हमारे पास भी मरहम नहीं है, मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, मैं सीधे सच बयानी कर रहा हूँ, मेरी बातों में पेचोखम नहीं है, मेरी बातों में पेचोखम नहीं है, अभी भी दर्द बाकी है तुम्हारा, अभी भी दर्द बाकी है तुम्हारा, बस इतना है कि अब हरदम नहीं है, बस इतना है कि अब हरदम नहीं है, भले ही प्यार का मौसम नहीं है, तुम्हारी ही कमी है वरना, तुम्हारी ही कमी है वरना,
पास भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास भी कुछ कम नहीं है। धन्यवाद।